नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। आजमगढ़ के जहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मरखापुर में ठीक दिवाली से 25 दिन पहले किसी बात बाल कटवाने को लेकर के आपस में विवाद हो गया था और 12 नवंबर यानी दीपावली की रात पूजा पंडाल के पास यही लोग फिर दोबारा आपस में भिड़ गए। इस मामले में पुलिस को तहरीर मिली जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक आपकी जगह इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है आपको सीधे सुनवाते हैं। ग्राम मरखापुर थाना जहानागंज में लगभग 25 दिन पहले बाल कटाने को लेकर नाई की दुकान पर कुछ लड़कों में आपस में विवाद हुआ था। इन लड़कों में 12 तारीख की रात्रि आपस में मारपीट हो गई। इस प्रकरण में थाने पर तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा अपराध संख्या 500/23, धारा 323, 336, 506 व 308 IPC का कायम किया गया है। इसमें 4 लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें एक की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। शेष अधिकृत की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी व नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देश के क्रम में आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग गैर द्वारा जनपद आजमगढ़ के दूसरी पिंक बूथ सुखदेव पहलवान स्टेडियम गेट पास स्थापित किया गया। महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याओं के निस्तारण हेतु पिंक बूथ पर महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई है, जो महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याओं को सुनकर उसका त्वरित निस्तारण कराएंगी। पिंक बूथ पर एक रजिस्टर में महिलाओं की समस्याओं को अंकित कर उन्हें यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाएगा। नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा आने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में पंपलेट के माध्यम से बताया जाएगा तथा उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों के बारे में बताया जाएगा। नारी सुरक्षा एवं अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से पिंक बूथ की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी पिंक बूथ की स्थापना की जाएगी। पिंक बूथ पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मी चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान के निर्देशन में कार्य करेंगी, जिसकी मॉनिटरिंग अपर पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी नगर व थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा की जाएगी। उपरोक्त घटना के क्रम में उद्घाटन कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, महिला थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। स्टेडियम के पास एक पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है आपके द्वारा, क्या सर उद्देश्य है? शासन के निर्देशानुसार जो मिशन शक्ति हमारा चल रहा है, उसमें जगह जगह पे जो ऐसे स्थान है जहाँ पे कॉलेज हैं या ऐसे कोचिंग संस्थान है जहाँ पे बच्चियों का आना जाना रहता है, वहाँ पे पिंक बूथ जिसमें महिला कांस्टेबल्स की उपलब्धता हो उनका उद्घाटन किया जाना है। ये दूसरा पिंक बूथ जनपद आजमगढ़ का थाना कोतवाली अंतर्गत आज इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें पुलिस से संबंधित समस्याओं के साथ साथ जो सरकारी योजनाएँ हैं, शासन की योजनाएँ हैं, उनके बारे में जागरूकता और अगर आवश्यकता है किसी महिला को कि उनको संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेट कराया जाए और उनका कोई ऐसा इशू है जिसको रिजॉल्व कराया जाए तो उसके संबंध में भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो महिला कांस्टेबल्स हैं उनको इंचार्ज यहाँ पे बनाया जाएगा और उनको भी संबंधित विभागों से कोऑर्डिनेट करा के ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी, ताकि वो उनको ये जानकारी रहे कि किस योजना की क्या पात्रता है, क्या लाभ है और किस महिला को उसका लाभ मिल सकता है, किस प्रकार से उसकी मदद हो सकती है। इसके साथ साथ क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे कोचिंग संस्थाएं भी बहुत इस रोड पे हैं, कुछ स्कूल कॉलेजेस भी काफ़ी हैं और स्टेडियम में भी बहुत सी बच्चियां आती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उस हिसाब से भी ये एक उचित जगह थी जहां पे पुलिस बूथ का महिला पुलिस बूथ पिंक पुलिस बूथ अनिवार्य था, तो इसका आज उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग अलग अलग थाना क्षेत्रों में भी, जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों में भी ये शुरुआत की जा रही है। बहुत जल्द अन्य पुलिस बूथ भी इसी तरीके से इनॉग्रेट किया। सर इसकी क्राइटेरिया क्या होती है जिनसे महिलाओं का जिधर से आना जाना ज्यादा होता है या जो भी ऐसे एरियाज हैं जैसे मार्केट के एरिया है जहाँ पे महिलाओं का आवागमन ज्यादा है या फिर स्कूल कॉलेज है जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ने आती हैं और साथ साथ ऐसी जगह भी चिन्हित की जा रही हैं जहाँ जो थोड़ा दुर्गम स्थान है जहाँ पे आबादी कम है और वहाँ से आना जाना महिलाओं का होता है
ताकि वहाँ पे भी पुलिस की प्रेजेंस बनी रहे। इसके लिए एक बहुत विस्तृत शासनादेश आया है कि ये कैसे फंक्शन करेगा। इसके 17 बिंदुओं का कंप्लायंस के लिए नोडल अधिकारी सीओ सिटी को बनाया गया है ताकि इन बूथों पे पुलिस की प्रेजेंस उन आवर्स में जो टाइमिंग है उसमें इंश्योर की जा सके। इसी तरीके से और जगह चिन्हित की जा रही है और सभी जगहों पर इसकी शुरुआत करेंगे। आप सभी को सिवा हुंडई की तरफ से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली पाएं बम्पर ऑफर के साथ हुंडई गाड़ियों पर तमाम छूट केवल 30 नवंबर 2023 तक। जल्दी करें, ऑफर सीमित स्टॉक पर उपलब्ध है। पहले आएं और घर ले जाएं अपनी पसंदीदा कार। अब पाएं हुंडई की सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग की सुरक्षा। आसान मासिक किस्तों पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। साथ ही अपनी पसंदीदा कार की सर्विस अपने दरवाजे तक। शिवा हुंडई बनी पहली ऐसी डीलरशिप जिसने आजमगढ़ की धरती पर इतिहास रचते हुए लॉन्च की मोबाइल सर्विस वैन। आजमगढ़ के लिए नंबर है 0860-1879-928। मऊ के लिए 0860-1879-938। बलिया के लिए 0860-1879-924 और गाजीपुर के लिए 0860-1879-935। इन तमाम नंबरों पर आप आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर के लिए सर्विस बुकिंग कर सकते हैं। आप अपनी समस्या को हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7704006166। आजमगढ़ में दीपावली पर्व की शुभकामनाओं देते हुए एसपी ने बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में मिठाई भी वितरण किया है। दिवाली त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग गार के निर्देश में जनपद आजमगढ़ के समस्त थानों के थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में पहुंचकर बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों को दीपावली पर्व की शुभकामनाओं के साथ साथ मिठाई दिए, मोमबत्ती व अन्य सामग्री का वितरण किया है। तस्वीरें दीपावली के दिन के जब पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य सबको दीपावली की शुभकामनाएं भी दी और बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों में मिठाई वितरण किया। आजमगढ़ जिले के थाना रौना पार क्षेत्र से ये खबर आ रही है जहां दो भाइयों के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। इस मामले में 55 वर्षीय वृद्ध को गोली लगी जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर के दोनों भाई आपस में विवाद करने लगे और इसी में गोली चल गई, जिसमें 55 वर्षीय वृद्ध को गोली लग गई है जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा है कि जांच एसपी सिटी को सौंपी गई है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में जब मीडिया ने एसपी सिटी शैलेंद्र लाल से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना था आपको सुनवाते हैं। आज सुबह ग्राम सरदौली थाना रौना पार में बड़ा भाई श्रवण व उसकी पत्नी छोटे भाई को, शंकर को, शराब पीने की बात को लेकर डांट डपट रहे थे। इसी बीच विवाद को देखकर उनके चाचा बीच में आ गए। इसी विवाद में उनको धक्का लगा व उनको चोट आई। उनको इलाज के लिए बिलरीगंज ले जाया गया जहां दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 372/23 धारा 302 का कायम किया गया है। इसमें बड़ा भाई व उसकी पत्नी हिरासत में है। शीघ्र ही छोटे भाई की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के जहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मरखापुर में ठीक दिवाली से 25 दिन पहले किसी बात बाल कटवाने को लेकर के आपस में विवाद हो गया था और 12 नवंबर यानी दीपावली की रात पूजा पंडाल के पास यही लोग फिर दोबारा आपस में भिड़ गए। इस मामले में पुलिस को तहरीर मिली जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है आपको सीधे सुनवाते हैं। ग्राम मरखापुर थाना जहानागंज में लगभग 25 दिन पहले बाल कटाने को लेकर नाई की दुकान पर कुछ लड़कों में आपस में विवाद हुआ था। इन लड़कों में
12 तारीख की रात्रि आपस में मारपीट हो गई। इस प्रकरण में थाने पर तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा अपराध संख्या 500/23 धारा 323, 336, 506 व 308 IPC का कायम किया गया है। इसमें 4 लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें एक की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी व नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।